पिछला क्लास में हम लोग विल और सेल के बारे में डिटेल में पढ़ चुके थे कि मोडल्स वर्ब में विल और सेल का यूज कहाँ होता है। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे कि वुड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो आज का क्लास में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि वुड का यूज कहाँ किया जाता है, किस जगह पर हम लोग वुड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वुड का यूज कहाँ किया जाता है। वुड का यूज कहाँ किया जाएगा, हैबिट में किया जाता है। जैसी हैबिट का बात आएगा तो आप लोग के दिमाग में आएगा कि सर आपने हैबिट तो कहाँ बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया गया था। लेकिन हैबिट जब प्रेजेंट में रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन जब वही क्या होगा पास्ट का बात किया जाएगा, पिछला बात पहले का बात बताया जाएगा कि नहीं ऐसा काम करता था, जब कुछ भी ऐसा पास्ट का कुछ भी हैबिट बताया जाएगा तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, हैबिट जहाँ रहेगा, हैबिट में किस चीज़ का यूज करता है, पास्ट के लिए। जब पास्ट के लिए कुछ भी हैबिट का यूज किया जाएगा तो वहां पर हम लोग वुड का यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिया जाता है, वह हर रोज घूमने जाता था या तो सुबह सैर करने जाता था। जैसे लिख दिया जा रहा है, वह हर रोज सुबह सैर करने जाता था। अब ये क्या होता है, अभी नहीं जाता है, ये पास्ट का बताया जा रहा है कि पहले जाता था अब नहीं जाता है। तो जब भी ऐसा सेंटेंस रहेगा वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। जैसे वह क्या है, ये सब्जेक्ट, इसके बाद क्या होना चाहिए, वुड, ही वुड। अब यहां पर क्या होगा, गो भीवन। अब क्या होता है, सैर करना, तो यहां पर क्या होगा, वॉक एवरी मॉर्निंग। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस होगा। तो जब भी क्या बताया गया है कि जब हैबिट रहे और वो पास्ट का बताया जाए, जब कोई हैबिट रहे और वो पास्ट का बताए तो वहां पर हम लोग वुड का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। ये तो पहला यूज हुआ। इसके बाद और आगे देखते हैं कि वुड का और क्या यूज किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग को क्या देखना है कि दूसरा वुड का यूज कहाँ किया जाता है। तो दूसरा जो यूज किया जाता है, पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। अब आप लोग बोलेगा कि फिर से पॉसिबिलिटी आ गया, तो पॉसिबिलिटी कब के लिए, जब फ्यूचर के लिए, जब हम लोग पॉसिबिलिटी करते हैं किसी के लिए, फ्यूचर में क्या हो सकता है और होने का ज़्यादा चांसेस है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वुड का यूज करेंगे। जैसे बोला जाएगा वो अभी पढ़ रहा होगा, संभावना व्यक्त करें और ज़्यादा चांस, वह अभी पढ़ रहा होगा। जब भी इस टाइप का संभावना करते हैं तो वहां पर वुड लगाया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दिया जा रहा है, वह पढ़ रहा होगा। अब यहां पर क्या यूज किया जाएगा, वुड का यूज किया जाएगा। पॉसिबिलिटी है फ्यूचर के लिए जब किया जाएगा तो वहां पर क्या यूज किया जाएगा, वुड, ही वुड। जब चांसेस ज्यादा हो तब हम लोग वुड का लगाते हैं, ही वुड स्टडी। इसका मतलब क्या हो गया, वह अभी पढ़ रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग तीसरा यूज देखते हैं कि इसका उपयोग कहां किया जाता है। तो थर्ड यूज में देखो क्या है, रिक्वेस्ट के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। लेकिन जब पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइट कहने का मतलब क्या होता है, हम लोग विनती करेंगे, ठीक है, क्या करना है, विनती करना। ठीक है, तो वहां पर क्या यूज किया जाएगा, वुड का यूज किया जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल लिया जा रहा है, जैसे बोला जाएगा कि क्या आप टीवी का आवाज थोड़ा कम कर देंगे, ये थोड़ा रिक्वेस्ट किया जा रहा है। या तो क्या होता है, क्या आप थोड़ा अपना पेंसिल या तो पेन दे सकते हैं, ये रिक्वेस्ट किया जाएगा। मतलब जब क्या होता है, रेस्पेक्ट के साथ जब कुछ भी हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो उसी को क्या वहां पर क्या लगाया जाएगा, वुड। मतलब वुड के साथ बोल रहे हैं, यानी कि क्या होता है, हम लोग रेस्पेक्ट के साथ बोल रहे हैं, वुड के साथ, यूड वुड का यूज करके हम लोग जब कुछ भी चीज़ बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, रेस्पेक्ट के साथ हम लोग बोल रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, क्या आप मुझे वह किताब वहां से
दे देंगे। अगर मान लीजिए कोई किताब वहाँ रखा हुआ है, अब वहाँ मान लेते वो स्टूडेंट बैठा हुआ है, लड़का बैठा हुआ, ठीक है। अब क्या होता है, थोड़ा रेस्पेक्ट के साथ बोलना है कि बोला जो किताब उसको क्या दे देंगे, बोले क्या होता है, रिक्वेस्ट करें कि क्या दे दीजिएगा। तो जब भी इस टाइप से सेंटेंस आएगा तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, वुड। क्या चीज़ से स्टार्ट होगा, वुड। अब क्वेश्चन क्या है सर, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप मुझे वह किताब वहाँ से दे देंगे, ये क्या बोला जा रहा है, मांगा जा रहा है। अगर मन होगा तो बोलेंगे हाँ दे देंगे, जरूर दे देंगे, अगर नहीं मन होगा तो ना नहीं देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यस नो टाइप होगा या नहीं होगा, जब यस नो टाइप होगा तो क्या चीज़ स्टार्ट होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या यूज होगा, वुड। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, वुड। इसके बाद क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट आप मतलब यू, वुड यू। इसके बाद डायरेक्ट कहाँ जाएगा, दे देंगे, तो वुड यू गिव। अब क्या होता है, वह किताब, दैट बुक, अच्छा गिव मी दैट बुक। अब वहां से यहां क्या होगा, फ्रॉम देयर। अब एक बार फिर से देखिए, क्या आप मुझे वह किताब वहां से दे देंगे, मतलब क्या होता है, ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि नहीं, क्या दे दीजिएगा, थोड़ा क्या होता है, पोलाइटली मांगा जा रहा है। तो क्या होगा, वुड यू गिव मी दैट बुक फ्रॉम देयर। तो जब भी इस टाइप का सेंटेंस आएगा तो हम लोग वहां पर क्या लगाएंगे, वुड का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। सबसे पहला क्या था, जब हैबिट रहेगा लेकिन पास्ट का हैबिट रहेगा वहां पर वुड का यूज। सेकेंड क्या बताया गया था, जब पॉसिबिलिटी, लेकिन फ्यूचर का जब पॉसिबिलिटी जब बताएंगे तो भविष्य में ऐसा कर रहा होगा वो, ठीक है, वो अभी तक तो खेल रहा होगा, वो पक्का भी पढ़ रहा होगा। जब भी इस टाइप का होगा तो वहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, वुड का यूज किया जाएगा। जब रिक्वेस्ट करेंगे और विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। इसके बाद और वुड का यूज कहाँ होता है, तो अगला यूज जो बताया जाएगा, जब भी हम लोग अपना इच्छा बताएंगे, क्या बताया जाएगा, इच्छा बताया जाएगा। जैसे मेरी इच्छा है कि तुम ऐसा काम करो, मेरी इच्छा है कि तुम वैसा करो, जैसे बोला जाता ना, तो वहाँ पर क्या लगाया जाएगा, वुड लगाया जाएगा। जैसे बोलेंगे कि मेरी इच्छा है कि तुम क्लास में फर्स्ट आओ, तो क्या होगा, ये यहाँ पर वुड लगाएंगे। जब भी विश रहेगा तो वहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, वुड का यूज किया जाएगा। जैसे टू एक्सप्रेस विश, मतलब विश के लिए क्या यूज किया जाता है, हम लोग वुड का यूज करेंगे। तो यहां पर एक सेंटेंस दिया गया है, ये विश एक्सप्रेस किस प्रकार का सेंटेंस रहेगा, तो मेरी इच्छा है कि तुम एक बड़ा डॉक्टर बनो। तो जब भी इस टाइप का सेंटेंस रहेगा तो उसको बनाएंगे कैसे, कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले तो ये लिखा जाएगा कि मेरी इच्छा है, आई विश दैट कि, यहाँ तो खोज चुका, तुम एक बड़ा डॉक्टर बनो, विश तो ये ना करे कि तुम एक बड़ा डॉक्टर बनो, तो क्या होगा यहाँ पर, यू के बाद यहाँ पर वुड लगाया जाएगा, यू वुड बिकम अ वेरी फेमस, या बिग भी लिखा जा सकता है, डॉक्टर। इस टाइप से आपका सेंटेंस बनेगा। अब इसी प्रकार से जब अगला सेंटेंस और दिया जाएगा कि मेरी इच्छा है कि तुम एक अच्छा इंसान बनो, क्या तुम एक अच्छा इंसान बनो, इसका मतलब क्या होगा, आई विश दैट यू बिकम अ गुड पर्सन, ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी हम लोग विश यूज करते हैं, टू एक्सप्रेस विश, वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। अब अगला यूज देखेंगे कि वुड का यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका अगला यूज रहेगा इमेजिनेशन के लिए। कहाँ पर किया जाता है, इमेजिनेशन। अब ये बोलेगा कि इमेजिनेशन होता क्या है, जब हम लोग इमेजिन करेंगे कि काश ऐसा होता ना तो इसे करते, ठीक है। जैसे बोलेगा अभी मुंबई में रहते ना तो पक्का भी हीरो रहते। तो जब भी इस प्रकार से जब इमेजिन किया जाता है तो वहां पर क्या लगाया जाएगा, वुड का यूज किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया जाता है, अगर मैं मुंबई में होता तो एक
हीरो रहता। अब इसमें क्या किया जा रहा है, एक इमेजिन कर रहा किया जा रहा है कि हम वहाँ रहते ना तो पक्का एक हीरो रहते, इमेजिन किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इफ आई वेयर इन मुंबई, क्या होगा, अगर मैं मुंबई में होता तो क्या होगा, इफ आई वर इन मुंबई। अब इसमें क्या होता है, तो एक हीरो रहता, ठीक है, यहां पर कॉमा दे दिया तो देने उनको देने की जरूरत नहीं है, आई वुड अ हीरो, तो इस टाइप से ये सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पर कितना यूज बताया गया, पांच यूज बताया गया। अब यहाँ पर क्या, सबसे पहला क्या बताया गया कि हैबिट, जब पास्ट का हैबिट रहेगा तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। पॉसिबिलिटी के लिए जब फ्यूचर के लिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड का यूज करेंगे। रिक्वेस्ट जब पोलाइट रिक्वेस्ट किया जाएगा वहाँ भी वुड का यूज किया जाएगा। टू एक्सप्रेस विश, जब अपना विश बताएंगे या किसी का विश बताया जाएगा तो वहाँ पर वुड का यूज किया जाएगा। इमेजिनेशन, तो वहाँ पर भी वुड का यूज किया जाएगा। इसके अलावा भी और कहीं कहीं पर यूज किया जाता है, जैसे क्या होता है, कुछ भी च्वाइस रहेगा, क्या रहेगा, कुछ चूज करना रहेगा कि नहीं ये या वो, तो यहाँ पर भी वुड का यूज किया जाता है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल देकर के आप लोग को बताया जाएगा। तो अभी क्या बताया गया था कि जब हम लोग के पास कुछ ऑप्शन हो, यानी कि च्वाइस करना हो कि नहीं, जैसे बोला जाता ना कि इससे अच्छा है तो हम ये करते, ठीक है, जैसे कहा तो वहाँ जाना है, वहाँ जाने से अच्छा हम कहा तो घर में बैठे रहेंगे, ये क्या हो गया, जब भी ऐसा च्वाइस रहेगा वहाँ पर वुड का यूज किया जाएगा। जैसे कहता है मतलब खाना बनाने से अच्छा बेहतर है कि हम सूत के रह जाएं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या यूज किया जाएगा, वुड का यूज किया जाएगा। मतलब जब भी कुछ भी हम लोग च्वाइस लेते हैं, दो को ऑप्शन रहता है उसमें चूज करते हैं, तो वहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, वुड। जैसे एक एग्जांपल लिया जाता है, खाना बनाने से बेहतर हो कि मैं सो जाऊं, मतलब खाना बनाने से बेहतर है कि हम सो जाएं, ठीक है। जब ये सब बोला जाता है ना, तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर वुड का यूज किया जाएगा, इसका इंग्लिश होगा आई वुड लाइक टू स्लीप। यहाँ पर यूज किया जाएगा रैदर का, रैदर देन कुक फूड। जब भी इस टाइप का सेंटेंस रहेगा तो वहाँ पर हम लोग वुड का यूज करेंगे, जब भी कोई भी कुछ भी ऑप्शन रहेगा। जैसे बोला जाएगा कि ई कपड़वा लेने से अच्छा बेहतर है कि हम तो लेबे नहीं करेंगे, जैसे दो ऑप्शन था मतलब क्या होगा, इससे अच्छा बेहतर है कि हम लेंगे ही नहीं, तो वहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, वुड का यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे बोला जाएगा कि नहीं पार्क घूमने से बेहतर है कि हम घर में रहेंगे, तो जब भी इस टाइप का रहेगा तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। तो ये हो गया। अब इसके अलावा भी और भी कहीं कहीं पर क्या यूज किया जाता है, एडवाइस के लिए यूज किया जाता है। जब हम लोग कोई भी क्या है विनम्रतापूर्वक कोई भी एडवाइस देते हैं, ठीक है, मतलब एक होता है ना कि नहीं बढ़िया से बैठा कर प्यार से समझाता है, नहीं तुमको ये कर लेना चाहिए, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी आप ले सकते हैं, एडवाइस के लिए लिखा जा सकता है कि एडवाइस के लिए भी वुड का यूज किया जाता है, लेकिन जब पोलाइटली जब दिया जाएगा तब, जैसे बोला जाएगा कि तुम्हें पढ़ लेना चाहिए था, तुम्हें चले जाना चाहिए था, ठीक है, तुम्हें घर चला जाना चाहिए था, तो क्या होता है, यहाँ पर हम लोग वुड का यूज करेंगे। किस चीज़ का यूज करेंगे, वुड का, ठीक है। तो वुड का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो एक बार फिर से लास्ट में देख लीजिए कि जब भी हम लोग एडवाइस दें, ठीक है, लेकिन पोलाइटली देंगे तब वहाँ पर वुड का यूज, हैबिट लेकिन पास्ट का हैबिट रहेगा तो वहाँ पर वुड का यूज करेंगे, पॉसिबिलिटी लेकिन फ्यूचर का जब पॉसिबिलिटी करेंगे कि ऐसा होगा, क्या होता है, कर रहा होगा, वो भी पढ़ रहा होगा, वो लोग पक्का भी खेल रहा होगा, जब भी ऐसा पॉसिबिलिटी रहेगा वहाँ पर वुड का यूज करेंगे। और रिक्वेस्ट करेंगे लेकिन जब पोलाइटली करेंगे, विनती पूर्वक करेंगे, तो वहाँ पर वुड का यूज किया जाएगा अपना विश व्यक्त करने के लिए, या तो कोई भी विश जब व्यक्त किया जाता है, जैसे क्या होता है
कि मैं चाहता हूँ या तो मेरी इच्छा है कि तुम ये काम करो। तो जब भी ऐसा विश बताएंगे वहाँ पर भी उड का यूज किया जाता है इमेजिनेशन के लिए कि ऐसा अगर होता तो ऐसा करते, या तो काश हम प्रधानमंत्री रहते तो ये काम जरूर करते। जैसे क्या बोला जाता है, जैसे सब कुछ होता है कि ना अगर काश प्रधानमंत्री रहते तो हर दिन स्कूल छुट्टी कर देते। तो क्या होता है, इमेजिनेशन जब भी ऐसा करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उड का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जब कुछ भी दो चीज़ का ऑप्शन जब चूज करते हैं ठीक है, तो वहाँ पर भी उड का यूज किया जाता है। और इसके अच्छा ये सब जगह पर उड का यूज किया जाता है, इसलिए उड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आता है इंग्लिश में, जिसका यूज करना बहुत ही जगहों पर यूज किया जाता है और इसको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है। तो आज का क्लास में हम लोग ये सब के बारे में सीखे, इसका यूज कीजिए और बेहतर से इंग्लिश का बोलना सीखिए।